साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो हम आपको बता चुके हैं कि रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अनिल देशमुख को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अनिल देशमुख की गिरती सेहत और कई बीमारियों से घिरे होने के जायज रीजन को देखते हुए कोर्ट ने अनिल देशमुख को जेल से रिहाई दे दी है, मगर देशमुख की रिहाई लगता है नवाब मलिक को हजम नहीं हो रही। जी हाँ, मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से आ रही खबरों की माने तो नवाब मलिक तब से ही बेचैन है जब से उन्हें पता चला है कि देशमुख को कोर्ट ने जमानत दे दी है और मलिक अब खुद भी बाहर आने के लिए बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मलिक तो कोर्ट भी पहुंच गए और कोर्ट में याचिका भी लगाई है कि उनकी हेल्थ का सही सर्वे होना चाहिए। इसके लिए मलिक ने कोर्ट से अलग से मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग भी की है। इतना ही नहीं, मलिक ने अपनी याचिका में ईडी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या मलिक भी देशमुख की तरह हेल्थ के आधार पर बेल पाने की जुगत में लगे हैं? क्या मलिक की ये तिकड़म कोर्ट में काम कर पाएगी? तो हम आपको मलिक की इस लेटेस्ट याचिका को लेकर जो भी अपडेट मिल रही है वो सब बताते हैं। आप भी मलिक को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी 2022 से ईडी के शिकंजे में कसे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, दुबई की डी गैंग से कनेक्शन और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को डिटेन किया था। उसके बाद से नवाब मलिक को ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया और तब से लेकर अब तक नवाब मलिक जेल में ही है। बीच बीच में खराब सेहत का हवाला देकर कभी प्राइवेट अस्पताल तो कभी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुँचाते हैं। इसी बीच मलिक ने कई दफा कोर्ट में हेल्थ के आधार पर जमानत भी मांगी, मगर कोर्ट की तरफ से मलिक की जमानत को हर बार खारिज कर दिया गया। मलिक अब तक तो शांत थे, मगर जैसे ही राजनीति में उनके साथी और जेल में भी उनके साथी अनिल देशमुख को जमानत मिली तो मलिक की शांति पूरी तरह भंग हो गई। अब ये मानवीय स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका दोस्त तरक्की ना कर पाए तो वो उसकी मदद करता है, मगर वो ही दोस्त अगर तरक्की कर ले तो उससे ईर्ष्या करने लगता है। तो जैसे ही देशमुख को जमानत मिली और 11 महीने बाद देशमुख जमानत से बाहर आए तो मलिक की भी बेचैनी बढ़ गई और मलिक ने मिलने के लिए वकील को भी बुला लिया और वकील के जरिए मलिक हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच में पहुंच गए। जी हाँ, जेल से बाहर आने की तड़प में नवाब मलिक ने कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसमें मलिक ने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया है और मांग की है कि उनकी हेल्थ की सही जांच के लिए अलग से मेडिकल टीम का गठन किया जाए। जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने विशेष अदालत से कहा है कि अभियोजन के पास उनके स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। 63 साल के मलिक ने अपने स्वास्थ्य का सही आकलन कराने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किए जाने का अनुरोध भी कोर्ट से किया है। साथ ही कहा है कि ईडी की तरफ से उनके स्वास्थ्य की गलत जानकारी कोर्ट को दी जा रही है, इसीलिए मलिक ने कोर्ट से गुजारिश की है कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और उनके स्वास्थ्य का सही आकलन किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक अभी न्यायिक हिरासत में ही हैं। किडनी से जुड़ी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर मई के महीने से मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मई से लेकर अब तक मलिक जेल के बजाय अस्पताल में खूब मौज काट रहे हैं और जब जब ईडी उन्हें वापस जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग करती है तो मलिक हर बार अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हैं और जेल जाने से बच जाते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मई के महीने में मलिक ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और मांग की थी कि उनका इलाज मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में किया जाए, जिस पर कोर्ट ने उन्हें परमिशन दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि मलिक अपने खर्चे पर इलाज कराएंगे और सुरक्षा में जितनी भी एस्कॉर्ट लगेगी उसका भी सारा खर्चा नवाब मलिक को ही देना होगा। इन शर्तों के आधार पर मलिक मई से लेकर अब तक क्रिटी केयर अस्पताल में ही इलाज करा रहे हैं और क्रिटी केयर अस्पताल एकदम 5-स्टार होटल के जैसा है। तो मलिक कितनी मौज काट रहे हैं ये हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में ईडी ने भी कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि वो नवाब मलिक को फिर से ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने का समय नवाब मलिक को दिया था, मगर मलिक 5 महीने से क्रिटी केयर अस्पताल में ही है। ऐसे में ईडी की कोशिश है कि वो मलिक को फिर से जेल में शिफ्ट करा दे,
मगर मलिक ने फिर एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी और अपने स्वास्थ्य की सही रिपोर्ट के लिए अलग से मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग कर ली। अब मलिक को पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कितनी लंबी होती है और अगर ऐसे में बोर्ड का गठन होता है तो 4-6 महीने मामला वैसे ही खिंच जाएगा और वो प्राइवेट अस्पताल में ही रह पाएंगे और उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसी तिकड़म के जरिए आखिर कब तक नवाब मलिक जेल जाने से बचते रहेंगे? आखिर नवाब मलिक को क्यों ऐसी VIP प्रिविलेज मिल रही है? तो आप भी मलिक की कोर्ट में लगाई एप्लीकेशन पर और मलिक को मिल रही प्रिविलेज पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे ब्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट ब्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से ब्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अनिल देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति NJ जमादार ने अनिल देशमुख को जमानत देते हुए साफ साफ कहा कि 73 साल के देशमुख कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें इस हालत में जेल में नहीं रखा जा सकता। सामने आया है कि देशमुख की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अगर उन्हें जेल में रखा गया तो उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, कोई अनहोनी भी हो सकती है। इसीलिए कोर्ट ने उनकी बीमारियों और उनकी लगातार गिरती मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें जमानत देना यानी कि जेल से बाहर निकालना स्वीकार किया है। हाँ, कोर्ट ने जमानत तो दे दी है मगर कोर्ट ने जमानत के लिए अनिल देशमुख को कड़ी शर्तों के बीच में भी घेर दिया है। कोर्ट की शर्तें इतनी सख्त है कि जमानत मिलने के बावजूद अनिल देशमुख को अपने ही घर में पूरी तरह नजर बंद रहना पड़ेगा। न्यायमूर्ति जमादार ने जमानत देते हुए कहा कि अनिल देशमुख की जड़ें समाज में हैं और उनके न्याय से भागने की संभावना दूर की कोड़ी लगती है। यानी कि कोर्ट के कहने का मतलब है कि अनिल देशमुख समाज से जुड़े हुए, जनमानस से जुड़े हुए नेता हैं और ऐसी स्थिति में वो न्याय से दूर भागने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें पूरी जनता अच्छी तरीके से जानती है। अगर उन्होंने कानून के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो ये उनके लिए भारी पड़ सकता है। कोर्ट ने आगे कहा, अभियोजन पक्ष की तरफ से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और गवाहों को धमकाया ना जाए। जी हाँ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देशमुख किसी भी तरीके के सबूतों से छेड़छाड़ ना करें और ना ही गवाहों को धमकाएं, क्योंकि अक्सर जमानत मिलने के बाद में आरोपी ऐसी हरकतें करते हैं। इसीलिए कोर्ट ने पहली शर्त यही रखी है कि सबूतों से ना तो छेड़छाड़ होगी और ना ही गवाहों पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाएगा। आगे देखिए, कोर्ट ने अनिल देशमुख को 2 महीने तक हर सोमवार और इसके बाद अगले 4 महीने तक हर दूसरे सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच ED दफ्तर के सामने पेश होने के लिए कहा है। जी हाँ, यानी कि अनिल देशमुख को 2 महीने तक प्रत्येक सोमवार को ED दफ्तर में पेश होना होगा और अगले 4 महीने तक हर दूसरे सोमवार को ED दफ्तर में हाजिरी देनी होगी और वो भी फिक्स टाइम के बीच। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित मामले में हर तारीख पर कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। अनिल देशमुख को अपना पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा और वे मुकदमे की सुनवाई होने तक मुंबई में ही रहेंगे। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो बिना अनुमति के मुंबई शहर से बाहर नहीं जा सकते। अनिल देशमुख किसी भी गतिविधि में किसी भी तरह से शामिल नहीं होंगे जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।